आर यानी रिमोट कंट्रोल है। इस प्यारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत हो रही है। जी हाँ, 50 घंटे का बैटरी बैकअप है इस पंखे का। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप हैरियत से होंगे। और आज हम रिव्यू लेके आए हैं सोगो के रिचार्जेबल फ्लोर स्टैंडिंग पंखे का, फ़ैन कह लें, रिचार्जेबल फ़ैन है, JPN651R। आर यानी रिमोट कंट्रोल है ये। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा प्यारा पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जैसा भी हो, मेरा प्यारा पाकिस्तान है, ठीक है। तो इस प्यारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल रहा है। तो इसको मैंने आपके लिए आसान बना दिया है। वैसे आपस की बात हूँ, इस वक्त मेरे पास ये ओनली वन यूनिट मौजूद है, ये भी बड़ी मुश्किलों से मुझे मिला है। वीडियो बनानी थी, मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं से इसको निकाल ही लेते हैं। तो ये जिस खुशकिस्मती की किस्मत में लिखा होगा उसी को मिलेगा। इस वीडियो को हमेशा से पॉसिबल बनाया सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर आप इस पंखे के बारे में किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या पीछे भी बैक साइड भी पंखे पड़े हुए हैं, वैसे वो डायरेक्ट करंट वाले हैं, उसको कोई पूछ नहीं रहा इस मौसम में, इस लोड शेडिंग में इसको कोई, उन पंखों को कोई भी नहीं पूछा, इसी की ज़्यादातर डिमांड है। सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस वीडियो को पॉसिबल बनाया। सर, अगर आप इस पंखे के बारे में किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या तो खरीदना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पे आपको सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर नजर आ रहा होगा, आप इनसे किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये खरीद भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बॉक्स की। सबसे पहले से करीब लिया तो मैं आपके, क्योंकि बहुत बड़ा था, मैंने पहले इसको सैम्पल कर लिया। सोगो की ब्रांडिंग मिल जाती है, JPN651R। एक छोटा सा डिस्क्लेमर डालना है, जो मैंने बॉक्स पकड़ा हुआ है इस वीडियो में, वो मैंने पकड़ा हुआ है JPN651 का, लेकिन जो पंखे का रिव्यू दिया वो मैंने दिया है JPN650R का। वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इन दोनों में फ़र्क मैं बता देता हूँ, ये गलती भी डिस्क्लेमर भी डल गया। फ़र्क इसमें ये है कि जो 51 है ना, उसका पंखे का रेडियस जो है वो है 18 इंच का, और जो 650 है उसका रेडियस है 16 इंच का। तो मैंने कहा ये डिस्क्लेमर डाल दूँ इससे पहले कि कोई कमेंट्स में मुझे बताए। थैंक यू। वीडियो कंटिन्यू करें, देखें, फुल देखिएगा। रिचार्जेबल फ्लोर स्टैंडिंग जो है ये फ़ैन है, एसी डीसी ऑपरेट करता है। 4 बेसिक ब्राइट लाइट भी इसके अंदर जो है मौजूद है। 12 वाट की इनपुट लेता है, 5 वाट का जो है यूएसबी चार्जिंग बोर्ड भी इसके अंदर मिल जाता है। एलसीडी डिस्प्ले है, स्पेशल मोड सिलेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है, और बैटरी कैपेसिटी इंडस्ट्रियल है, और तमाम चीज़ें विद रिमोट कंट्रोल है ये, ठीक है। स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाती है वोल्टेज की, बैटरी की तमाम, और बैटरी चार्ज टाइम आपको बताता चलूँ, इसको 12 से 15 घंटे इसको चार्ज करना होता है, और ड्यूरेशन भी आपको बताता चलूँ, फुल स्पीड पे ये 2 घंटे देता है, और मीडियम स्पीड पे आपको जो है ये देगा 6 घंटे, और लो स्पीड पे आपको देगा 50 घंटे। जी हाँ, 50 घंटे का बैटरी बैकअप है इस पंखे का लो स्पीड पे। इस साइड पे आपको मार्क वगैरह मिल जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब हम बढ़ते हैं पंखे की तरफ, जो मेन प्रोडक्ट है हमारी। ये पंखा बेसिकली जो है रिमोट कंट्रोल है। इसके साथ मुझे एक रिमोट भी मिल जाता है, मैं आपको रिमोट भी शो करा देता हूँ। ये इसका रिमोट है छोटा सा, इसके अंदर एक जो है ये रिमोट है इसका छोटा सा चुन्नू सा, इसके अंदर एक रिमूवेबल है, इसको आप रिमूव करते हैं। पहले मैं आपको पंखे का टूर दे देता हूँ, देन रिमोट का भी हम आपको फंक्शन बता देंगे। तो बात करते हैं इस पंखे की। ये जो है 16 इंच का पंखा है, आई थिंक सो के साइज इसका 16 इंच है। मॉडल मिल जाता है सामने आपको, ये इसका एलसीडी डिस्प्ले है, ठीक है। इसको हम बैक साइड से ऑन करेंगे, बैक साइड में आपको बताता चलूँ। यहाँ से आपका ये ऑन ऑफ होगा, यहाँ से ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है डिस्प्ले पे। यहाँ पर ही आपका जो है 12 वाट से चार्ज भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी है, सोगो की ब्रांडिंग मिल जाती है, मॉडल स्टिकर वगैरह, ये एग्जास्ट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ से आपकी पावर केबल लगेगी चार्जिंग वाली, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कैसे मिल जाती है। यहाँ से आप इसको कम्प्लीटली जो है मोड, इसके अंदर जो है 2-3 मोड हैं, ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। ऑन हो चुका है, अभी 12 स्पीड पर है। इसकी टोटल स्पीड जो है आपको दिखा देते हैं, 24 इसकी टोटल स्पीड है, मतलब कि टोटल स्पीड, ये फुल स्पीड पे है, जो ओपन पे चल रहा है, ठीक है। इसके साथ आपको मूड अगर दिखाएं, तो इसके अंदर 2-3 मूड हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये नाइट वाला मूड है, ये 3 मूड इसके अंदर मौजूद हैं,
कम स्पीड वगैरह टाइमर इसके अंदर लगा हुआ है। अब ये टाइमर आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ जितना 12 घंटे आप सेट कर सकते हैं इसको। LED लाइट, ये लाइट की मिल जाती है ये, ठीक है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जो है लूज़ करेंगे नीचे हो जाएगा, अगर टाइट करेंगे मतलब ऊपर नीचे करना चाहते हैं लूज़ करके इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो ये इसके सारे फंक्शन हैं। अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ एक दफ़ा, ये चीज़ ये ऑफ हो चुके। अब पहले मैंने आपको इस पंखे को मैन्युअली ऑपरेट करके दिखाया है हाथों से। अब ये विद रिमोट के अंदर जो है आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, और जो है आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है अप एंड डाउन करने के लिए, और टाइमर भी आप यहीं से अप एंड डाउन करेंगे। अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ, यह मैंने इसे ऑन किया, वो ऑन हो चुका है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। विद रिमोट जो है ये ऑन हुआ है, मतलब कि रिमोट की मदद से ऑन हुआ है, मैनुअली जाके मुझे ऑन नहीं करना पड़ा। स्पीड मैं कम करता रहूँगा, ये स्पीड कम हो रही है, आप चेक कर सकते हैं, ये स्पीड इसकी 1 पे स्पीड आ गई है इसकी, बिल्कुल जो है 0 पे 1 पे स्पीड आ गई, बिल्कुल स्लो चलेगा। आई थिंक सो कि ये बंद हो चुके हैं, नहीं चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। टाइमर का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, ये इसका रिमोट है। तो अब हम इसको ऑफ कर दें। ये था इस रिचार्जेबल फ़ैन का रिव्यू, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, या इसकी वर्थ क्या है, या आपके लिए लेना मुनासिब है या नहीं है। अब एयर थ्रो आप फिजिकली आके चेक करेंगे तो ही है, लेकिन एक डिजिटल फ़ैन जो ऑफिस टाइम में छोटे साइज में होता है पार्क फैन का, आई थिंक सो कि उसके साथ इसकी फुल स्पीड जो है बीट करती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप ले सकते हैं, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर प्राइस की बात करें तो अक्सर लोग जो है मुझे बताते हैं कि यार तुम प्राइस नहीं बताते, ये नहीं बताते, इसकी एक्चुअल प्राइस सीधी सी बात बताता चलो, इसकी एक्चुअल प्राइस 15 के अराउंड बोट है, लेकिन इस वक्त ये शॉर्ट हुआ है, किसी के पास मौजूद नहीं है, मुझे भी बहुत मुश्किलों से मिला और मुझे भी महंगा मिला, ठीक है, तो इस वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, अब मैं प्राइस नहीं बता सकता, आप अंदाज़ा लगा लें 16,000 से लेकर 22,000-23,000 के अंदर इसकी प्राइस फॉल कर रही है। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं अभी सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल करें, लिमिटेड स्टॉक है, तो फिर ना कहिएगा कि ख़त्म हो गया स्टॉक। सामने स्क्रीन पर आपको सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता करके किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये पंखा खरीद भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, फ़ी मानिल्लाह।